हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुबह में 7 बजे के आसपास ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। 7 बजे के पहले का टाइम है और यहाँ पे मॉर्निंग का ये मेरा रूटीन होता है। सुबह सुबह सबसे पहले उठने के बाद यहाँ पे सोफ़ा ठीक करती हूँ, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा इस पर कुछ ना कुछ गिरा देता है। तो ये ठीक करने के बाद उसके बाद मैं झाड़ू लगाने का काम करती हूँ। और इस यहाँ पे बहुत सारे उसके टॉयज थे, कुछ पेपर था, कुछ कागज़ वगैरह सब इधर उधर फैला देता है ना, तो उसको मुझे सब कुछ सही करना होता है। और सोफ़ा भी सारा इधर उधर हो जाता है, तो उसको सही जगह पे करूँ। लेकिन ये बस घंटे भर का ही काम है, घंटे भर बाद फिर जैसे था ना वैसे ही हो जाएगा। कुछ लोग मुझसे इस सोफ़ा कवर का लिंक मांग रहे थे, तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था, मैं जब ली थी तो भी मैं ब्लॉग में दिखाई थी आप लोगों से जब न्यू ली थी मैं तो। लेकिन इसको ये ना अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, तो मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। कई लोग मुझसे लिंक मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पर 3 सीटर है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। 2 सोफ़ा कवर लोगे तो आपको आप पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो कपड़े थे ये सब मैं फ़ोल्ड करने के बाद इसको लेके जा रही हूँ जहाँ पे मुझे सेट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देखिए पूरा अच्छे से सेट हो गया। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, तो सबसे पहले मैं रूम को भी ठीक कर ले रही हूँ। बाबू भी उठ गया था, पता नहीं क्यों रो रहा था, और ये भी आए थे मनाने के लिए, लेकिन वो रोए जा रहा था। मैं बोली कि आप हट जाओ, थोड़ा सा मैं बेड ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद आके बाबू बैठ जाना। तो अब वो गुस्से में है, पता नहीं इतना गुस्सा ये क्यों हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में। तो फिर वो आएँगे मेरे पास, वैसे ही मैं इसको ठीक कर ली हूँ। और उसके बाद वो जा रहा है वॉशरूम में और मैं जा रही हूँ अभी किचन में, क्योंकि मॉर्निंग का जो रूटीन में मैं जो भी लेती हूँ वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग टाइम में मैं एक ड्रिंक लेती हूँ और एक आफ्टर ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे उड़द दाल में भिगोई थी, तो उसको मैं अच्छे से वॉश करके रख दी हूँ, क्योंकि इनको आज सुबह में ही दही बड़े खाने हैं, तो वो मैं इनको बना के दूँगी। और खाना भी मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है, तो मैं रात में भिगो दी थी। उससे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ जीवा का सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स विद होल फूड मल्टीविटामिन, और ये मुझे एक ग्लास पानी में लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी ले लिया है, और इसमें जो स्पून दिया हुआ है इसे मैं 2 स्पून इसमें डालूंगी, और बस मुझे 2 ही स्पून डालना है। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप लोगों को पता है मुझे काफ़ी टाइम पहले, मैं 1-2 महीने पहले आप लोगों से दिखाई थी, 2 महीने हो गए मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तब से मैं ले रही हूँ और ये इतना ख़त्म भी हो चुका है, पूरा फुल था। लेकिन मैं आपको ससुराल में भी दिखाई थी, मैं रखी थी तो फुल था, लगभग थोड़ा सा बचा है। तो इसको एक ग्लास नॉर्मल पानी में हमें लेना है, ना ठंडा है ना गर्म है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको दिन में आप कभी भी एक बार ले सकते हैं, लेकिन मैं ये मॉर्निंग टाइम में लेती हूँ। और आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं एक प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, वो भी ओजीवा का, वो मैं आप आगे आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और ये मुझे इतना ज़्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि ये एल्कोलाइजिंग ड्रिंक है और हमारी स्किन और हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और साथ में अगर आपको एक्ने या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी रिड्यूस करता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर आपको पिंपल्स होती है फिर बॉडी में कहीं भी फोड़े फुंसी होते हैं, तो ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बहुत पहले, क्योंकि मेरे को हो रहा था। तो ये बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बनने की वजह से होता है, तो हम लोग को फोकस करना चाहिए कि बॉडी को हम डिटॉक्सिफाइंग करें, और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है उसको भी ये ठीक करता है। तो मैं यहाँ पर पी ले रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे यमी लगता है, और इसका जो थोड़ा सा टेस्ट जो होता है ना जलजीरा पानी की तरह मुझे टेस्ट आता है इसका, और सबका टेस्ट वैसे अलग है, लेकिन जैसा कि मैं वो पीती हूँ तो मुझे वैसे ही थोड़ा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पर बस मैं फिनिश कर ली हूँ और मैं अभी जा रही हूँ फिर से किचन में। उसके बाद इसके बेनिफिट्स मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओजीवा का सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स विद होल फूल मल्टीविटामिन। इसमें 34 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ 8 एल्कोलाइजिंग ग्रीन हर्ब्स और 10 इम्यूनिटी हर्ब्स इसमें है। किसी भी टाइम आप दिन में एक बार ले सकते हैं इसको। ये आपके सेल्स को क्लीन करता है, रिपेयर करता है और रीजनरेट करता है। आप इसे मॉर्निंग टाइम में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं मॉर्निंग टाइम में ही लेते हैं और मॉर्निंग टाइम में इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मेन वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है, और 12 साल से कोई भी उससे ज़्यादा है तो कोई भी ये जो ड्रिंक है ये यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, जैसे आंवला, मंजिष्ठा, त्रिफला और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ बैक साइड में सारा कुछ मेंशन। तो 2 मंथ से मैं अपने डाइट में कुछ चीज़ें शामिल की हूँ जो आज मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। सो 2 महीने से लगभग मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं अपने घर से वहाँ से भी लेके आई इसको, क्योंकि मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ।
इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट में मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, एक साइड में दाल बना रही हूँ, लेकिन इनको खाना था दही बड़े, तो वो भी मुझे बनाना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम से इनको कुछ बनाते नहीं थे, अकेले थे। तो यहाँ पे मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सब बना रही हूँ क्योंकि आलू परवल जो था ना बिल्कुल थोड़ा सा था और आलू की सब्ज़ी बाबू को खानी थी, उसमें परवल भी मिक्स कर दूँगी तो वो बहुत ही ईजिली खा लेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जा रही हूँ जो उड़द की दाल मैं भिगो के रखी थी, वैसे ये ब्रेकफास्ट के तौर पे नहीं लेकिन इस टाइम पे ही इनको खाने का मन हो रहा है सुबह सुबह, सो मैं यही इसी टाइम सोच रही हूँ कि मैं बना लेती हूँ और शाम को भी हम खाएंगे, ये तो 2-3 दिन तक चलता है। और ये जो मैं वहाँ पे ख़रीदी थी राइस वॉश करने वाला, इसी में मैं वॉश करूँगी, बहुत अच्छे से इसमें वॉश होता है, कोई भी चीज़ वॉश करने आराम से वॉश करो, उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो गिरा दो। और यहाँ पे मैं ग्राइंड करने के बाद इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ आज नमक डाल के इसको अच्छे से फेंट ले रही हूँ। और उसके बाद उससे पहले मैं दही बड़े के लिए जो मसाला होता है लास्ट में डालते हैं उसको मैं तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास भुना हुआ जीरा नहीं था तो मैं पाउडर को भून ले रही हूँ और बाद में मैं इसमें थोड़ी सी मिर्च और काला नमक ऐड करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे दही में चीनी को थोड़ा सा डाल के फेंट ली हूँ और उसको रख दी हूँ ताकि डालने में आसानी हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाए मेरा। उसके बाद मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ, आज मैं बड़ा बड़ा बना रही हूँ और इसके बाद मैं जो फ्राई करूँगी ना वो छोटे छोटे शेप में बनाऊँगी। तो यहाँ पे फ्राई हो चुका है और मैं निकाल दे रही हूँ और उसके बाद मेरी रोटी भी बन चुकी है, थोड़ी सी जो ड्राई वाली सब्ज़ी बनानी थी वो भी सारा कुछ बन चुका है, मैं नहा के यहाँ पे आ भी चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मिर्च और काला नमक जो था वो मिलाने के बाद ये मैं पानी में डाल दी थी, इससे क्या होता है और इससे दबा के निकालूंगी, इससे एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो भी निकल जाएगा और साथ ही साथ जो दही है वो भी ज़्यादा नहीं सूखेगा। तो मैं इसी तरीके से दही बड़े बनाती हूँ, दही भल्ले भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें इसको बोलते हैं। और दूसरी साइड में और भी जो था वो फ्राई हो रहा है, यहाँ देखिए बन के रेडी हो चुका है और जो बाद में है वो मैं डालूंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं मिक्स कर ले रही हूँ, ये तैयार हो चुका है और बस मैं थोड़ी देर बाद मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, मैं रोटी और सब्ज़ी ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं एक ड्रिंक लेती हूँ, जो प्रोटीन पाउडर लेती हूँ ये है ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम औरतें जो हैं पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक जाती, बिल्कुल एनर्जी मेरे पास नहीं रहती थी, ऊपर से हमारा मूड भी जो होता है वो भी स्विंग करता रहता है। और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो भी इस ड्रिंक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना ख़त्म भी हो चुका है, थोड़ा और रह गया है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं हाफ स्कूप इसमें ऐड करूँगी। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो पूरा फुल स्कूप ऐड करें पानी में, नॉर्मल पानी में ऐड करना है। आप चाहे तो आप नॉर्मल मिल्क में ले सकते हैं लेकिन मैं पानी में ही लेती हूँ। यहाँ पर मैं हाफ स्कूप इसमें डाल के और अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी तो मैं एक अच्छा सा प्रोटीन पाउडर ढूंढ रही थी, तो मुझे ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन मिला और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो फ्लेवर है ये चॉकलेट फ्लेवर है और चॉकलेट फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं ढूंढ रही थी उस टाइम पर मैंने देखा ओजीवा की वेबसाइट, वहाँ मुझे एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान मिला और मैंने 3 मंथ्स का प्लान सब्सक्राइब किया है। और मॉर्निंग टाइम में जो मैंने लिया था ओजीवा का ग्रीन एंड हर्ब्स सुपर फूड मल्टीविटामिन्स और ये है प्रोटीन पाउडर, तो मैं इसको 3 मंथ का मैंने प्लान लिया है। और इस सब्सक्रिप्शन प्लान में वो आपको हर महीने 2 प्रोडक्ट हर महीने आपको सेंड करेंगे और ऑटोमेटिक पेमेंट भी हो जाएगी और फ्री डिलीवरी रहेगी। वहाँ पे आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ का प्लान अवेलेबल है। तो पर्सनली मेरे को 3 मंथ्स का सही लगा कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये है आप फ्री में वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर पाएंगे और आप अपने डाइट चार्ट को ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं उनसे। तो यहाँ पे 23 ग्राम प्रोटीन, 0 एडेड शुगर है और 5.5 ग्राम BCAA है जो बॉडी टोनिंग मेटाबोलिज्म और स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ये प्लांट बेस्ड है और कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है और ये चॉकलेट फ्लेवर है और चॉकलेट फ्लेवर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें पाया जाता है प्रोटीन, मल्टीविटामिन और आयुर्वेदिक हर्ब्स जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और इससे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बिकॉज इसमें गुदीची, ग्रीन टी, सिनेमन, प्लांट एक्सट्रास है जो वेट लॉस करने को भी प्रमोट करता है, स्किन एंड हेयर को इम्प्रूव करता है बिकॉज इसमें मल्टीविटामिन
अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि मुझे इसमें शतावरी फ्लैक्स और तुलसी है। और इस प्रोटीन पाउडर का बेस पार्ट ये है कि ये सोय फ्री है, ग्लूटीन फ्री है, नो एडेड शुगर है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 1 फुल स्कूप ऐड करना है मिल्क में, या फिर आप नॉर्मल पानी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो 1/2 स्कूप ऐड करना है, तो मैं 1/2 स्कूप ऐड करके ही पीती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल रहा है। तो चलिए अब फटाफट मैं इनको अब निकाल के खिलाती हूँ और ये अच्छे से शोक भी हो चुका है, दही को एब्जॉर्ब कर लिया है और मैं जो बड़ा वाला साइज है वो मैं निकाल के दे रही हूँ, 3-4 दे दे रही हूँ और मैं अपने लिए भी निकालूंगी, बाबू के लिए भी निकालूंगी। अब बस खाने का टाइम आ गया है, काफ़ी देर से मैं बनाई थी सुबह में और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर नहीं मॉर्निंग में ही है, 11:30 के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पे मैं स्पर्श में थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें लाल मिर्ची है और वैसे तीखा ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कम डाली हूँ, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है, बहुत दिनों बाद बनाई हूँ। तो यहाँ पे बस निकाल ली हूँ और इनको देने जा रही हूँ, ये दोबारा देने जा रही हूँ इनको। जी और उधर स्पर्श बैठ के खा रहा है और इनको बहुत ज़्यादा यम्मी लगा, वैसे सॉस लेके नहीं आए थे लेकिन बोल रहे थे कि सॉस के बिना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। बाबू थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं खाया, कैसा लग रहा है? मैंने बोला बिना सॉस के ही बहुत अच्छा। टेस्टी के बाद बाबू को मैं यहाँ पे खिलाने के लिए गई, थोड़ा सा खाया मेरे से भी, उसके बाद वो नहीं खा रहा था क्योंकि हो सकता है उसको पसंद नहीं आया हो गया, फिर उसका मन भर। क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? बोलो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सबको इसमें सुनाओ, 1 2 10, ओ गुड बॉय। अब सबको स्पर्श को गुड बॉय बोलेगा और उसके आगे क्या सुनाओगे? जॉनी जॉनी भी सुनाओ सबको। स्पर्श आधा का काम था, काम था। कहाँ? ठीक है, कहाँ जा रहे हो? हाँ बताओ कहाँ जा रहे हो? हाँ बनाना खरीद। कहाँ जा रहे हो? बनाना खरीद। स्पर्श कहाँ जा रहे हो? टॉफी नहीं खाते है ना, बोलो बनाना खरीद। हमेशा टॉफी नहीं खाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बनाना खरीद। अब कहाँ जा रहा है बाबू? और नया नया टी शर्ट पहना है, इधर आओ। ये चिक पे लिपस्टिक लगाए हो? हाँ ये चिक पे लिपस्टिक लगाए हो, शाम हो गई है। बाबू बोलो शाम हो गई है। बाबू शाम हो गई, दिखाना लिप्स, दिखाना क्या हुआ है लिप्स में, कुछ हुआ है क्या? बार बार काट रहे हो? कुछ नहीं हुआ, लिप्स नहीं काटते। स्पर्श का ट्रक में फूल हो गया है, स्पर्श का ट्रक। यहाँ देखिए बाबू ने किस तरीके से नीचे कलर भर दिया, ऊपर से इसमें कागज़ फूल कर दिया है। और मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि आपके हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते हैं क्या, वो हमेशा घर पे रहते हैं। तो मैं बता दूं अभी इस टाइम पे हम लोग आए हैं तो वो क्वारंटाइन है और घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑफिस जाएंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर कुछ नए नए जो जुड़े हुए हैं ना, उन लोग ऐसा ऐसा कॉमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं देख रही थी बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश थम सी गई है। अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं और मैं दोपहर के बाद कुछ भी शूट नहीं करी थी, उसके बाद जस्ट मैं अभी आप लोग के सामने फिर कैमरे के आ रही हूँ। अभी बाबू बाहर गया है, बाहर
मेरे को लगा फिर से आ रहा है वापस। बाहर गया इसलिए क्योंकि बनाना वगैरह लेके आना था और उसको डेली चाहिए बनाना, तो फिर ना ख़त्म हो जाता है दो दिन पे क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हम ज़्यादा लेके नहीं आते हैं, आधा दर्जन ही मैं बोलती हूँ उनको लेके आने के लिए, कभी एक दर्जन। आवाज़ आ रही है बाहर से, मेरे को लग रहा है कि वो नीचे है, तो वहीं लेने गए हैं और थोड़े से सामान थे। और बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हुई है अभी, जब सभी रुकी हुई है बारिश। और आज इनको दही बड़े बहुत अच्छे लगे, बोल रहे थे कि बिना सॉस के, क्योंकि मैं कल इमली सॉस मंगाई थी इनसे तो ये लेके नहीं आए थे, तो आज बोलते हैं कि बिना सॉस के ही बहुत अच्छा लगा दही बड़े। और इनको काफ़ी टाइम हो गया हर चीज़ खाए हुए, मतलब मैं बताऊँ ना कि कुछ भी चीज़ें जो थी ना, मैं थी उस टाइम पे ये खाए हुए थे, नहीं तो चावल दाल रोटी सब्जी, और सब्जी में भी बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं, नॉर्मल आलू परवल हो गया, फिर कुछ भी हो गया नॉर्मल जो खाना होता है ना वही खाते थे। तो इस टाइम पर इनको बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कुछ कुछ आइटम खाने की, तो मेरे से पहले यही डिमांड करते हैं कि नहीं ये खाना है मुझे, वो खाना है, तो मैं बना देती हूँ। मेरे को भी लग रहा है हाँ, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ बना के तो हम खाते ही रहते थे, ससुराल में थी तो कुछ ना कुछ तो बना के हम खाते ही रहते थे, लेकिन इनको तो बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन में हम जब ग्रुप में फ़ोटो भेजती थी ना, तो बोलते तुम खुद तो सब खा रहे हैं, क्योंकि मैं भी भेजती थी, साधना भी भेजती थी, सब लोग भेजते थे अपना अपना जो हम बनाते थे। उस टाइम पे ये बोलते थे कि सब लोग तो खा रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद मैंने क्या किया ना, फ़ोटो खींच के भेजना ही ग्रुप में बंद कर दिया था, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, अगर हमें ना मिले वो चीज़ हम खाए हैं देखें और कोई खा रहा है तो लालच तो आएगा ही आएगा, और बुरा भी लगेगा कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम से जब से इन्होंने बोला था ना, उसके बाद से मैं फ़ोटो खींच के भेजना ही बंद कर दी थी। और ये ब्लॉग मैं आगे तक ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, बहुत अब थोड़ा ही सा ब्लॉग बनाऊँगी वैसे इसी वजह से दिन में, क्योंकि सुबह सुबह मेरा जो ब्लॉग था वो ज़्यादा मेरा बन गया था, और शाम के टाइम अब इस टाइम पे क्या काढ़ा बनाऊँगी मैं, ये आएंगे ना उसके बाद, हाँ अभी काढ़ा रख दूँगी बन जाएगा धीरे धीरे, मैं 5 मिनट तक तो उसको खौलाती हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि मोबाइल जो दी हूँ वो बनने के लिए गया है अभी, तो हो सकता है कि वो भी लेने के लिए जाएँ। तो काढ़ा और थोड़ी सी सब्जी है मॉर्निंग की, तोरी की जो सब्जी बनाई थी वो है, तो वो रखी हूँ। और सब्जी में ये बोले कि कुछ बना दो, देखती हूँ कुछ, जब ये डिमांड करेंगे तो इनके डिमांड तो आजकल पूरे करने ही करने हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया है इनको हर चीज़ खाए हुए। सब्जी में भी पता है, खुद के हाथ से बनाए हुए सब्जी दूसरे के हाथ में मतलब अच्छा लगता है। ये कुछ भी मैं सब्जी नॉर्मल भी सब्जी बना रही हूँ तो बोलते हैं कि बड़ा टेस्टी लग रहा है, बड़ा टेस्टी लग रहा है। मैं भी खुश हो जा रही हूँ, मैं बोली झूठी तारीफ ना करो, तारीफ करनी है तो सच बोलते कि नहीं बहुत टेस्टी लग रहा है। तो बाबू को मैंने अभी दिखाया ना, ट्रक में पूरा लोड कर दिया उसने, नीचे कलर और कलर के ऊपर पूरा कागज़। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ, बारिश फिर अभी तेज की आएगी। कपड़े आज नहीं धोई हूँ मैं, कपड़े अभी धोने हैं, सुबह सर्फ ख़त्म हो गया तो सर्फ भी लिख के दी हूँ इनको, अभी व्हाट्सएप करी हूँ, तो कपड़े इस टाइम में वॉश करूँगी। और वैसे भी बाहर मुझे डालना नहीं है क्योंकि इधर तो कोई भी नहीं डाल रहा है, मैं ही दरवाज़ा सा लगता है मैं ही ओपन करके रखी हूँ क्योंकि रहा नहीं जा रहा अंदर, क्योंकि इधर ये वाला जो घर है ना, ये मैं जो दिखाई थी यहाँ से जब सामने जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, ये वाले घर में मैंने बताया था आप लोगों की कोरोना हुआ है, तो मैं देख रही थी कोई है तो नहीं सामने, मैं बोल रही हूँ तो इस वाले घर में हुआ है ना, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, पूरा लगा हुआ है, पहले ग्रीन कलर का लगा हुआ था और इस टाइम पे पिंक कलर का वो लगा है, होम आइसोलेशन ऐसे करके कुछ ना ये लगा हुआ है। मैं तो आई हूँ तब से बाहर नहीं गई हूँ, यही जाते हैं। मैं बाबू को भी मना करती हूँ मत लेके जाओ, बोलती कि नहीं मैं कहीं लेके ना तो रोड पे उसको थोड़ा घुमाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता है घर में, इतने दिन से घर में ही था। तो मैं बोली ठीक है फिर चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, हो सकता है इसके बाद मैं ब्लॉग ज़्यादा ना कंटिन्यू करूँ, मैं ब्लॉग को एंड कर दूँ कि मिलती हूँ बाद में, बाय।